नीमा जालंधर की मासिक संगोष्ठी का आयोजन डॉक्टर सतबीर सिंह की अध्यक्षता में किया गया, जिसमें लुधियाना के मुख्य कैंसर सेंटर ऑफ अमेरिका के सीनियर डॉक्टर अमित धीमान मुख्य वक्ता के रूप में उपस्थित हुए। सर्वप्रथम भगवान धन्वंतरी जी का पूजन किया गया, जिसके बाद अध्यक्ष डॉक्टर सतबीर ने आए हुए नीमा सदस्यों का स्वागत किया। इस दौरान डॉक्टर अमित धीमान ने कैंसर के क्षेत्र में नई नई दवाइयों के बारे में और नई तकनीकों के बारे में सदस्यों को अवगत कराया तथा कैंसर के इलाज में प्रयुक्त होने वाली रेडियोलॉजी के बारे में भी सदस्यों को जानकारी दी एवं नीमा सदस्यों के प्रश्नों का उत्तर अच्छी तरह से दिया। इसके बाद नीमा की राष्ट्रीय कार्यकारिणी ने वरिष्ठ उपाध्यक्ष चयनित होने पर डॉक्टर परविंदर बजाज, संयुक्त सचिव डॉक्टर अनिल नागरथ, राष्ट्रीय वुमेन फार्म की उपप्रधान डॉक्टर वीना गुंबर तथा डॉक्टर सुनीता नागरथ को राष्ट्रीय ईसी सदस्य नियुक्त होने पर बधाई दी तथा सम्मानित किया। इस दौरान मुख्य वक्ता को स्मृति चिन्ह देकर सम्मानित भी किया गया। अंत में डॉक्टर सुगंधा भाटिया ने आए हुए सभी सदस्यों को धन्यवाद व्यक्त किया। इस अवसर पर डॉक्टर नीरज कालड़ा, डॉक्टर संजीव धवन सहित नीमा के सभी सदस्य मौजूद रहे। जालंधर से हलचल के लिए कैमरामैन पवन कनौजिया की रिपोर्ट। जिवें आपां नूं पता हैगा कि कैंसर जिहड़ी बीमारी है एक बड़े तेजी दे नाल वधदी पई है सोसाइटी दे विच और हर तरह दे एज नूं इफेक्ट कर रही है। कुछ असी मैं अपने वालों कुछ दसना चाहवागा तो कुछ उन्होंने वालों जो उन्होंने प्रैक्टिकल इशूज़ आते हैं डॉक्टर्स आते हैं प्राइवेट प्रैक्टिशनर्स आते हैं वो बारे अज असी डिस्कस करा। जिहड़ा मेन कारण कैंसर का अज की डेट है एक तो जो लग रहा है, देखो कैंसर तो शुरू तो ही रहा है पर जिवें वधदा पिया पिछले 20-30 सालों के वध रहा तो लाइकली यह हैगा कि जिहड़ा अपना खाण पीन का है तो कैमिकल का यूज़ बहुत वधदा जा रहा है, फिर अपना हर चीज़ के प्लास्टिक का यूज़ वधदा जा रहा है, पानी की बॉटल तो लैके हर चीज़ अजकल प्लास्टिक दे एक तरह के बट या टेक ओवर वाले जो बॉक्स है उन्होंने आ रहा है, फिर अपना जोड़ा स्ट्रैस लैवल है बॉडी के अपना लाइफ के बहुत वाधा जा रहा है, फिजिकल एक्टिविटी घटती जा रही है, खासकर अगर आप लेडीज़ की गल करिए जेडे कि ब्रेस्ट कैंसर जिन्होंने बहुत ज़्यादा हो रहा है। रीज़न ये कि फिजिकल एक्टिविटी घटती जा रही है, बॉडी कुछ चेंजेस जड़िया नहीं आनी चाहिए वो आ रही है। उस तो अलावा बाकी जोड़े कारण है मुख्य कारण है स्मोकिंग का, वो आप सबनों पता है ओवर यूज़ ऑफ अलकोहल, ये चीज़ा जीडिया है ये कारण कैंसर का बहुत तेजी के नाधा जा रहा है। कैंसर देखो कोई एक स्पेसिफिक सिम्टम तो है नहीं है पर कितने भी कोई गठ बनती है शरीर के कितने भी बनती है और अगर वो हील नहीं हो रही है और खासकर लेडीज़ में जी कन्फ्यूजन होंगी ब्रेस्ट वेज दे कि कहते हैं जी दर्द नहीं हो रही गठ हो दर्द नहीं हो रही तो कैंसर नहीं हो सकता, सगा पुट्ठा हैगा कैंसर की जी गठ होंगी ब्रेस्ट के दर्द तो उस दर्द नहीं होंगे, दर्द बहुत ही लेट स्टेज में आता। अज नीमा जलंधर वालों स्थानिक होटल के जनरल हाउस मीटिंग कंडक्ट की गई। इस मीटिंग दे विच कैंसर सेंटर्स ऑफ अमेरिका तो साढ़े गैसट स्पीकर डॉक्टर अमित धीमान आए। डॉक्टर अमित धीमान ऑनकोलॉजी दे मेडिकल स्पैशलिस्ट हैं, मतलब कैंसर दे स्पैशलिस्ट डॉक्टर हैं। उन्होंने बहुत वधिया जानकारी कैंसर दे बारे दसिया, उन्होंने दसिया कि कैंसर वर्ड दी हुण दहशत खत्म हो गई है, वो टाइम पुराना हो गया जो कैंसर का डायग्नोसिस होंदा सी तां कैंसर का नाम असी सुन के डर जांदे सीगे, वो गल नहीं है। साइंस इन्नी एडवांस हो चुकी है, इन्नी अपने कोल तकनीक्स आ गई हैं कि उन्हां दी वरतों करदे हां असी बहुत जल्दी बहुत इनिशियल स्टेजेस दे विच कैंसर डिटेक्ट कर सकते हैं। कैंसर का एक रोगी जदों कि उन्हों कोई पता लगता सी या परिवार नूं पता लगता सी डर जांदा सी, वो डर नहीं है। कैंसर इज़ इक्वल टू मौत नहीं है। कैंसर का पेशेंट जी अर्ली डायग्नोज कर लीए, उन्होंने जनरल प्रैक्टिशनर्स नूं दस्सिया किवें डायग्नोज करना, वो तरीके सानू बहुत वधिया तरीके दसे।